नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल SWB हिंदी में। पिछले हफ्ते अमेरिका और रूस ने संकेत किया कि वे न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा देंगे, जो कि पूर्व शीत युद्ध के विरोधियों के बीच परमाणु हथियार के प्रतियोगिता को रोकने वाला एकमात्र समझौता है। 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए नए स्टार्ट समझौते के तहत प्रत्येक देश 1550 तैनात परमाणु युद्ध और 700 तैनात मिसाइलों और हमलावरों तक सीमित होगा। समझौते में प्रत्येक वर्ष 1 दर्जन से अधिक साइट निरीक्षण सहित रिपोर्टिंग और सत्यापन उपायों की भी परिकल्पना की गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू स्टार्ट का विस्तार करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि समझौता अमेरिका के लिए हानिकारक था और सभी परमाणु युद्ध पर पूरी तरह से रोक लगाने और चीन पर हथियारों के प्रतिबंध को शामिल करने पर जोर दिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान रूस के प्रति असामान्य रूप से मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण के बावजूद ट्रंप ने राष्ट्र के साथ 2 अन्य परमाणु हथियार संधियों से भी हाथ खींच लिया। 2019 में इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि और 2020 में खुली आसमान संधि। 2018 में वह संयुक्त से हट गए। व्यापक कार्य योजना जिसने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को सीमित कर दिया। बिडेन प्रशासन यूरोपीय देशों से के साथ शामिल हो गया, जहां एक अदालत ने नवलनी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाने के बाद रूस की निंदा की। विपक्षी नेता जिन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है और उन्हें अगस्त में साइबेरिया में जहर दिया गया था। जनवरी में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि हैकर्स का मानना है कि पिछले साल सरकार और कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम में रूसी खुफिया कनेक्शन टूट गए थे। अभियान के निशान पर राष्ट्रपति जो बिडेन ने कसम खाई कि कोई भी देश को अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करता है वह एक कीमत चुकाएगा। यह कदम उसी समय उठाया गया जब यूएस ने क्रेमलिन के आलोचक एलेक्सी नवलनी के कारावास और रूसी सरकार द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर हैकिंग अभियान के मद्देनजर रूसी खराबी के खिलाफ वापस जाने देने की प्रतिज्ञाओं पर काम किया। राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को मॉस्को को चेतावनी दी कि अमेरिका रूसी पर लागत बढ़ाने और अपने पद संभालने के बाद से अपने पहले प्रमुख विदेश नीति संबोधन में अमेरिकी हितों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। बिडेन ने रूसी असंतुष्टि नवलनी को रिहाई दे दी, जिन्हें महीनों तक मॉस्को की हिरासत में रखा गया और 2 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई थी। नवलनी को पिछले साल जहर दिया गया था और जर्मनी में भर्ती हुए महीनों बिताए थे। वे क्रेमलिन को उसकी विषाक्तता के लिए दोषी ठहराते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और पॉप गायिका रिहाना सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के विरोध में दिल्ली में भीड़ जमा हुई, जिन्होंने भारत में भावनाओं को भड़काया और इस सप्ताह जारी किसान विरोध के बारे में ट्वीट करने के बाद सरकार को नाराज किया। थुनबर्ग और रिहाना की तस्वीरों को एक साथ बैनर में सेट किया और चेतावनी देते हुए लिखा था कि भारतीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के लिए समर्थन दिखाने के लिए टूल के ट्वीट करने के बाद भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साजिश के आरोपों में थुनबर्ग उलझ गई। डॉक्यूमेंट में अभियान संबंधित सुझाव जैसे हैशटैग और याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने के बारे में सलाह शामिल है। यद्यपि दर्ज किए गए पुलिस मामले में इसका नाम नहीं है, लेकिन थुनबर्ग के ट्वीट में कहा गया कि टूल गेट के अस्तित्व पर दिल्ली पुलिस का ध्यान गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि टूल किट भारत के खिलाफ हमलों की अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का सबूत है। दिल्ली के लिए विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने थुनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के खबरों के जवाब में कहा, हमने FIR में किसी का नाम नहीं लिया है, यह केवल टूल किट के रचनाकारों के खिलाफ है जो जाँच का विषय है और दिल्ली पुलिस उस मामले की जाँच कर रही है। बुधवार को थुनबर्ग ने ट्वीट किया था, हम भारत में किसानों के विरोध के साथ एकजुटता में खड़े हैं और यह प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे भारी भरकम उपायों पर एक समाचार लेख से जुड़ गया। इससे पहले रिहाना ने किसानों के खिलाफ कार्यवाही पर एक लेख ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, हम फार्मर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। भारत सरकार ने सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों ट्वीट करने वाले हस्तियों के खिलाफ तीखी चेतावनी के जवाब में एक बयान जारी किया।
गुरुवार को पुलिस जांच की खबर सामने आने के तुरंत बाद थुनबर्ग ने अपनी स्थिति की पुष्टि की। मैं भी #StandWithFarmers और उनके शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करती हूं। उन्होंने अपने 47 मिलियन अनुयायियों को ट्वीट किया। नफरत, धमकी या मानवाधिकारी के उल्लंघन की कोई मात्रा नहीं बदलेगी। #FarmersProtest। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने गुरुवार को अपने प्रदर्शन की एक तस्वीर खींचते हुए कहा कि इसकी ऑर्डर बुक 2022 के अंत तक 1,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। यहां एरो इंडिया 2021 में पत्रकारों से बात करते हुए आर माधवन, अध्यक्ष और HAL के प्रतिबंध निदेशक ने कहा कि उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए निर्यात पूछताछ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ऑर्डर बुक 53,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अगर आप तेजस को इसमें शामिल करते हैं तो यह 80,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा, इसलिए अब तक यही ऑर्डर बुक है। हम अगले साल के लिए आने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और HTT-40 के लिए 2 और ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं। 3 दिवसीय एरो इंडिया 2021 शुरू होने के एक दिन पहले 2 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 73 LCA तेजस MK-1A सोनानियों और 10 तेजस MK-A परीक्षकों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को सौंपा। वे T0 और 36 महीने से डिलीवरी शुरू करेंगे, जो आज यानी कि 4 फरवरी से मार्च 2024 तक वह भारतीय सेना को तेजस MK-A पहली डिलीवरी करेंगे। पहली डिलीवरी 2 विमानों की होगी। कुल आपूर्ति का समय पहली डिलीवरी के लिए 6 साल बाद होगा, जिसका मतलब है कि कुल प्रसव का समय सभी 43 विमानों के लिए 9 साल का होगा, मतलब 2030 तक होगा, लेकिन हम 1 साल में इसे कम करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में LCA तेजस की स्वदेशी सामग्री 52% है। माधवन ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ देशों ने तेजस के आयात में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि HAL तेजस को उसी कीमत पर लग रहा है जिस कीमत पर उन्होंने इसे भारतीय वायुसेना को बेचा था। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।